तो चलो भाई, अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है, अब यहाँ से चलते हैं अपने घर की ओर। मज़ा आ गया यार यहाँ पे चाय पी के ना, भाई लोगों से बात करके। मैं रैंडमली ऐसी बाइक वहाँ पे खड़ी की, तो इनसे पूछने लगा कि बाइक खड़ी करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। उन्होंने बोला कि भाई नीचे लेके आ जाओ, और मज़ा आ गया, एक व्लॉग मस्त वाला बन गया। ओके चलो फिर गाइज, यहाँ से निकलते हैं हम। भाई यहाँ पे बाइक खड़ी करने की जगह ही नहीं मिल रही थी, और जब मिली तो सब लोग अपने ही मिल गए, आसपास के लोग। यही होता है यार, जब तुम घूमते हो ना, नए नए लोग मिलते हैं। और अच्छा लगता है फिर जब नए लोग मिलते हैं ना, उनसे हम मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार। तब लगता है कि यार दुनिया बहुत अच्छी है यार, जो हम बोलते हैं ना कई बार कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, लोग ऐसे हैं, तो यार आपस में ही बस लड़मड़ रहे हैं लोग, बाकी ये सब लोगों के साथ सब लोग अच्छे हैं। आप बात करके देखो, अनजान आदमी से कितने अच्छे से बात करते हैं। तो चलो गाइज, यहाँ से हम निकल रहे हैं रुड़की के लिए। अभी मैं था हर की पैड़ी पे हरिद्वार में, और यहाँ से हम निकल रहे हैं रुड़की के लिए। मज़ा आ गया यार हरिद्वार में, थोड़ी सी देर रुकने के बाद ना मज़ा आ गया, मतलब बहुत ही अल्टीमेट। बड़ा अच्छा लगा यार ये ठेली वालों से बात करके ना, बहुत अच्छा लगा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, तो ये पूरा ऐसी पार्किंग एरिया है एक तरीके से देखा जाए ना, ये खाली पड़ा है पूरा। तो भाई वापस से हम पहुंच चुके हैं चंडी चौक पे हरिद्वार में, और यहाँ से हम राइट टर्न लेके जाएंगे रुड़की के लिए। इंडिकेटर दे दिया अपना, वो भाई कितनी तेज आया ये चंडी चौक है। रिक्शा वाले भैया आप निकलिए, हम तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कैसे सो रहा है भाई। सही है यार, इन लोगों का ना ये घर ही हो जाता है एक तरीके से ना, रिक्शा वगैरह ना मेहनत करते हैं, फिर थकते हैं तो उसी पे सो जाते हैं। अच्छा लगा यार हरिद्वार में रुक के ना, मज़ा आ गया भाई, मज़ा, ओहो। बहुत ही स्पेशल डे बन गया आज मेरा। तो अब यहाँ से हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे सीधे ऊपर, डैम कोटी बैरागी कैंप, और ये ब्रेकर ब्रेकर। चलो भाई चलो चलो चलो, के हो भाई क्या मस्त लग रहा है यार हरिद्वार, गजब भी नज़ारे हैं यार हरिद्वार के। ओहो अल्टीमेट यार, जब हम घूमते हैं ना नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, लोग नए नए मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, बहुत ही मज़ा आता है। कुछ बातें होती है, गपशप होती है। अभी देखो जैसे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हर की पैड़ी पे, मतलब मैंने ऐसे रैंडम बाइक खड़ी की, मैंने बाहर ही खड़ी कर दी, तो मैं एक ठेली वाले से पूछने लगा, मैंने कहा भैया वहाँ पे बाइक खड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो उसने बोला भाई यहाँ पे खड़ी कर दो आप, वहाँ पे थोड़ा छेड़छाड़ रहती है, बच्चे बच्चे स्क्रैच मार देंगे तो आपकी बाइक पे, तो आप यहाँ पे खड़ी कर दो। मैंने भाई उसकी ठेली के पास खड़ी कर दी एक पेड़ के नीचे, और मैं पूरी हर की पेड़ी घूम के आया आराम से, और लास्ट व्लॉग में आपने देखा भी होगा। फिर वहाँ से आने के बाद जो गप्पे लगे ना उनके साथ, ओह। मैंने एक चाय के लिए बोल दिया, तो भाई चाय के भी पैसे नहीं ले रहे थे यार वो लोग, सोचो। और एक डॉक्टर साहब थे शायद वहाँ पर ना, तो वो डॉक्टर थे किसी चीज़ के, वो तो हमारे देवबंद के पास के ही निकले यार। दिल्ली बस स्टैंड रेलवे स्टेशन, तो ऐसा ही होता है यार, पता नहीं चलता कब कौन कहाँ पे मिल जाए आपको, और उनको हेलमेट इतना पसंद आया ना भाई, इतना पसंद आया। बहुत ज्यादा। कनखल 2 किलोमीटर, लक्सर 27 किलोमीटर, दिल्ली है यहाँ से 201 किलोमीटर भाई, और ये है नेशनल हाईवे 334 334, और हम निकल चुके हैं रुड़की के लिए यहाँ से। भाई रुड़की की डिस्टेंस है लगभग 30 से 35 किलोमीटर,
और मजा आने वाला है। ऐसा ही हाईवे है, चकाचक मस्त वाला हाईवे है भाई, बहुत ही तकड़े वाला फोर लेन हाईवे है ये। और ये अपने फौजी भाई जी, दिल्ली है भाई यहाँ से 195 किलोमीटर और रुड़की है 20 किलोमीटर और पतंजलि योगपीठ है 10 किलोमीटर। धन्यवाद, आपका पुणे आगमन पर स्वागत है, हा? ऐसा कुछ लिखा होगा ना, देखा नहीं मैंने लेकिन ऐसा ही कुछ लिखा होगा क्योंकि हरिद्वार से हम बाहर निकल चुके हैं। ये फौजियों की गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी, पानी वानी पी रहे थे ये अपना, ये कहीं ऊपर से आ रहे होंगे भाई। निकल भाई निकल निकल, पूरी रोड खाली पड़ी होगी हॉर्न बजाने की ना, ऐसी गंदी लत होती है लोगों को, इतनी गंदी लत होती है हद से ज़्यादा, मतलब रोड खाली होगी पता है भाई हॉर्न है आपकी गाड़ी में, सबकी गाड़ी में होता है, लेकिन हॉर्न का यूज कम से कम करो, पोल्यूशन मत फैलाओ भाई। उफ, रूट देखो यार क्या मस्त लग रहे हैं यार, रोड किनारे ना आजकल इतने अलग अलग फ्रूट मिलते हैं ना, ये देखो अभी ये क्या रखा है पता ही नहीं चल रहा है, ये देखो अजीबो गरीब फ्रूट देखने को मिलते हैं यार आजकल। रोड एकदम खाली है भाई रुड़की जाते हुए ना, हरिद्वार से रोड एकदम खाली है बिल्कुल, और मजा आ रहा है बाइक चलाने में यहाँ पे। अभी ये जया मैक्सवेल हॉस्पिटल, मैक्सवेल साला मैक्सवेल हॉस्पिटल भी इधर ही है, मतलब होगा लेकिन मैक्सवेल के नाम से हंस रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है ना आपको पता ही होगा, सही नाम रखा है यार मैक्सवेल। और ये क्या है भाई यहाँ पे, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ओ सत्संग, ये फिर पीछे रह गए थे क्या, जिप्सी ना यार ये बड़ी मस्त लगती है जो आर्मी वालों के पास होती है ना, बहुत तकड़ी होती है, तकड़ी पावर होती है इनमें। बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यार हरिद्वार ना, बहुत एक्सपेंड होता जा रहा है डे बाय डे, बढ़ता ही जा रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं पता है, यहाँ पे रहना ना लोग पसंद भी कर रहे हैं, बाहर से आके बस रहे हैं यहाँ पे लोग, फ्लैट वगैरह खरीद रहे हैं। अभी बाइक 55 पे चल रही है और हवा इतनी तेज लग रही है ना, बहुत तेज विंड नॉइज आ रहा होगा आपको वॉइस में पक्का। उपभोक्ता शुल्क प्लाजा, यूजर फी प्लाजा एहेड भाई, एक से एक नाम मिलता है टोल प्लाजा का भी आजकल, टोल टैक्स, टोल फीस, रोड फीस, उपभोक्ता, क्या था ये उपभोक्ता फीस कुछ इस टाइप का लिखा हुआ था अभी हर जगह के अलग अलग नाम। चलो हमें क्या डरना टोल से, हमारा कौन सा टोल लगने वाला है भाई, हम तो फ्री वाले हैं, बाइक वाले हैं, आराम से निकल जाएंगे बिना कोई चार्ज दिए। उपभोक्ता शुल्क प्लाजा ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, अपार्टमेंट फॉर सेल, खरीद लेना भाई यहाँ से अगर किसी को खरीदना है तो। यहाँ पे कौन खरीदेगा यार इतनी दूर, साला जंगल है भाई यहाँ पे, ना हरिद्वार ही है ना रुड़की है ना बादराबाद है, तो ये टोल है भाई 95 का लिखा हुआ है बोर्ड पे, कार वगैरह का टोल लगेगा 95 रुपीज। ओहो इतना महंगा, और कई सारे टोल है यार दिल्ली तक तो वो जेब खाली हो जाएगी लोगों की।
ये देखो यार क्या मस्त लग रहा है, वाइट कलर की बिल्डिंग है क्या, लेकिन ये नहीं पता है क्या, लेकिन बड़ी प्यारी लग रही है यार। अभी तो काम ही चल रहा है इसमें, साईं गंगा धाम, ये कोई मंदिर वगैरह बन रहा है भाई, साईं मंदिर, बहुत ही मस्त लग रहा है यार। और यहीं पे कहीं पे पतंजलि योगपीठ भी है अपने बाबा रामदेव जी का, वो दिख रहा है मुझे हल्का हल्की बिल्डिंग इन पेड़ों के बीच से ना, शायद आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन मुझे दिख रही है। ये देखो भाई बहुत फैला हुआ है यार, बहुत दूर तक, पीछे बहुत दूर तक दिख रहा है ये मुझे, कैमरे में शायद इतना कैप्चर नहीं हो रहा होगा। आचार्य कुलम, देख रहे हो भाई साहब कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा पतंजलि, ये तो पूरा एक गांव बसा हुआ है यार यहाँ पे पतंजलि का, देख रहे हो कितना तकड़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ये देखो सबसे पहले ना मेन ये था यहाँ पे पतंजलि योगपीठ, उसके बाद जो एक्सपेंड किया है ना भाई बाबा जी ने, तकड़े वाला। ये रिसर्च फाउंडेशन पतंजलि की बिल्डिंग, भाई इस रोड पे तो पतंजलि का राज है भाई, ये क्रिस्टल वर्ल्ड है भाई यहाँ पे, ये भी तकड़ा है यार, वाटर पार्क है यहाँ पे, ये देख रहे हो बहुत बड़ा बना दिया। और बाकी यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ है, KFC, सबवे, बीकानेर वाला सब है भाई यहाँ पे, सब भर भर के, तो खाने में पीने की कोई किल्लत नहीं आने वाली भाई, आते जाते यहाँ पे रुको और खाओ पियो ऐस करो। ये रॉन्ग साइड कहाँ से आ रही भाई इतनी पब्लिक यार, ये रॉन्ग साइड वालों से डर लगता है मुझे, बाकी तो सब ठीक है जो भी है इनका पता नहीं चलता, और ये फुल स्पीड में आते हैं, डर लगता है यार मैं ही तो कहीं रॉन्ग साइड नहीं जा रहा हूँ उल्टा। क्या हो गया भाई यहाँ पे, सबको रोक क्यों रहे हैं, बोर्ड लगा रखा। ओ भाई प्लॉट बेचने वाले बोर्ड लगा के खड़े हैं रोड पे, बहुत भयंकर। ओ भाई साहब ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यार। भाई यहाँ पे प्लॉट वगैरह का मतलब प्लॉट कट रहे हैं तो लोग बोर्ड लगा के खड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी प्लॉट रोक रहे हैं यार और गाड़ी वालों को। अबे यार भाई साहब ये तकड़ा था भाई, ये तकड़ा था, खाने पीने वाले रोकते हुए देखे थे आज तक, अब ये प्रॉपर्टी वाले भी, ओ हो। ये क्या नमक मिर्च मसाला, ये क्या कुरकुरे है क्या प्रॉपर्टी तुम्हारी वैंकर की, कोई आते जाते कोई भी खरीद लेगा ऐसे ही। सही है यार, रुड़की जाने के लिए भाई, रुड़की शहर में जाने के लिए यहाँ से कट लेना पड़ेगा इस ब्रिज के नीचे से राइट साइड में, तो हमें रुड़की तो नहीं जाना अंदर, ये यहाँ से कट लेना पड़ेगा भाई रुड़की के लिए। ये है रुड़की का कट, अगर आपको रुड़की जाना है तो भाई। ये एक व्लॉग था मेरा हरिद्वार से रुड़की के लिए, आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल में नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।